एक चीज मिली है। ये मारखोर की तीर है, ये देख लीजिए, यही वो फेंक देता है। इतना देख लीजिए, कितना है ये देख लीजिए। इसको भी हम लेकर के चलते हैं साथ में। चलिए आगे और देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। ये जंगली भेड़ लग रही है, देख लीजिए बहुत ज्यादा दूर है। कोशिश करिए हम नजदीक जाने की। अभी हम ये व्लॉग बना रहे हैं तो आगे आप देखते रहिए। ये व्लॉग का पार्ट वन, आपने पार्ट टू देखा होगा। ये पार्ट थ्री है, गुम हो गए। आगे देखते रहते आगे क्या हमें मिल जाते हैं वो नहीं। ये पता नहीं जंगली है या कि किसी की पालने वाली है। आगे आप देखते रहिए, मैं इसलिए आवाज धीमी कर रखा हूँ, आवाज मेरी इसलिए कम है ताकि अगर कोई जानवर हो भी वो भागे ना इतने जल्दी और हमारे ऊपर भी अटैक ना करे। तो आप बुला के साथ बने रहिए। इतना खूबसूरत नज़ारा अगर आपने पहले कहीं देखा हुआ तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, कितना अच्छा है। आहा, वाह वाह, कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी जो पार्ट वन और पार्ट टू में हमने कवर नहीं की थी वो हमने पार्ट थ्री में कंटिन्यू कर लिया है। इस पार्ट थ्री में हम कई बहुत सारी झीलें और आगे बहुत सारे पेड़ों के बारे में और भी जो कुछ हमें नया मिलता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हम इस साइड में एक एरिया पड़ता है, इधर से पहाड़ी है, इसके आगे दूसरा एरिया और इस साइड फिर पहाड़ी है, ये तीसरा एरिया, ऐसे ये पहाड़ी है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जंगल थोड़े घने हैं साइडों में और ऊपर ये मैदान खुला है। खुले मैदान में अभी हम चल रहे हैं। ये बकरियाँ जंगली नहीं है, लग रहा है ये किसी की पालने वाली बकरियाँ है। तो भेड़ भी इनके साथ में है। आप देखते रहिए कितना अच्छा खूबसूरत बेहतरीन अच्छा नज़ारा है। ये नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। जहाँ से हम आए उसकी तरफ नज़ारा लगा एक नज़र। पिछले वीडियो में हमने एक ज़ियारत, एक किला, झीलें, एक दो, एक छोटा सा चश्मा जैसे देखा है आपने। आगे हम आपको एक और चश्मा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो आप बने रहें, आप बने रहें हमारे साथ में। ये जो हमें मारखोर या इसको क्या बोलते हैं, शैल, क्रोन्स और भी बहुत नाम है इसके। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये हमने पहले उठाया था तो हम इसको थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। ये कैसा है, ये इतना आगे नुकीला है कि किसी के ऊपर भी लगने से, तो अभी हमारी कैंची पहले बार किसी काम आएगी इसको साफ करने के। तो ये हमने हल्का सा इसको साफ कर लिया आगे से।
ये हमारा साफ हो गया, बस इतना ही साफ करेंगे हम इसको। ये पेन जैसे भी लग रहे हैं, ये देख लीजिए। चलिए, थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने, और इस ब्रेक के बाद में अब हम दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। चलिए अगर आप ऐसे कहीं जंगल में आ जाते हैं तो आप जरूर कोशिश कर लीजिए प्लास्टिक या कपड़े वाले जूते पहनने की, क्योंकि दूसरे जूतों में यहाँ पे स्लिप होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो इसलिए ऐसे वाले जूते पहन लीजिए जो बिल्कुल जिनका सोल नरम हो। आगे आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं, आप देखते रहिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। क्या आप कैमरे में जितनी मेरी आंखें देख रही है, क्या आपको भी इतना मज़ा आ रहा है जितना मुझे मज़ा आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये मेरा व्लॉग, क्योंकि आज मैंने ये तीसरा व्लॉग बनाया है। तो इस तीसरे व्लॉग में आप देख रहे हैं, ये हमने इधर से नीचे जाना है, इस साइड को नहीं जाना है हमने, तो इस साइड को आगे हम कभी और दिखा देंगे आपको, ये वाला साइड और ये वाला साइड। अभी हम इस साइड को चले जाते हैं, ये वाला साइड आपको दिखा देते हैं कितना खूबसूरत आगे नज़ारा है, कितना अच्छा है। इन पत्थरों के बीच से हम चल रहे हैं, हल्के हल्के पत्थर है ऊपर, छोटे छोटे, इतने बड़े भी नहीं है, तो बीच में ये पत्थर आ गए। सोचे कि आपको हल्का सा इन पत्थरों के बारे में थोड़ा सा दिखा दें। और ये पत्थर बीच में हल्के हल्के सफ़ेद भी है और बाकी थोड़े से काले हैं, और ये जैसे इनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है तो ये चमक उठते हैं रात को। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी एक रास्ता हमारा इस साइड को जा रहा है, एक इस साइड को जा रहा है, तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि अभी हम किस रास्ते से निकलेंगे, तो आप बने रहिए। चलिए, बहुत ही घना जंगल है, इस घने जंगल में क्या क्या मिलेगा हमें, कितना खूबसूरत है, देख लीजिए, मजा लीजिए वीडियो का, इस व्लॉग का मजा लीजिए। आपको मैं पेड़ दिखाने जा रहा था दूसरे वाले, लेकिन वो अभी तक दिखे नहीं है। अरे बहुत झुकना पड़ रहा है निकलने के लिए, काफी घना जंगल है, यहाँ पे बालू शेर वगैरह का भी खतरा रहता है, तो जिस चश्मे की बात कर रहा था मैं, वो हमें वो वहां आगे नीचे डाउन में मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने दूसरे रास्ते से हम निकले हैं। अभी हम कोशिश करेंगे इस रास्ते से निकलने के लिए, ये वाला रास्ता है, मेरे जो साथी है उन्होंने बताया कि ये वाला रास्ता ले लेते हैं हम, रास्ता तो नहीं है लेकिन फिर भी रास्ते जैसा ही है, तो ये हमने रास्ता बनाना है, तो अभी हम चलते हैं इसी रास्ते से, आगे क्या कुछ मिलेगा कोई पता नहीं, आप भी देखते रहिए हम भी देखते रहेंगे, जो हमारी आंखें देखेंगी वो आप अपनी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये फूल कितना डाउन में हम जा रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे गिरने का खतरा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आप इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ये
गिरने का 100% चांस है यहाँ पे, फिर भी हम आपको ये खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना डाउन में हम जा रहे हैं ये आपने देखा ही होगा, इतना बहुत ज्यादा डाउन है ये। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा साइड साइड से चले ताकि कहीं गिर न जाए हम। ये देख लीजिए रास्ता हमारा, हम रास्ता बना बना के चल रहे हैं। इन पेड़ों के बारे में आपको मैंने नहीं बताया, इसकी लकड़ी तकरीबन 2000 से ऊपर ऊपर ही 1 फीट चला जाता है, इतनी ये लकड़ी मजबूत है, इसमें इतने जल्दी कीड़े नहीं पड़ते और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इस लकड़ी की ही खूबसूरती है, ये अच्छा ये इसकी। तो आपको मैं और बहुत सारे पेड़ों के बारे में बहुत सारे पेड़ दिखाना चाहता था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हम अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे और ज़्यादा पेड़ दिखाने की। लेकिन अभी भी आपको चश्मा देखना बाकी है, वो चश्मा आपको दिखाएंगे। और जो रास्ता निकल रहा है, जो हाईवे की मैंने बात की थी, वो आपको मैं नहीं दिखा पाया अभी तक, तो आप बने रहे, मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। ये एक नेचुरल व्लॉग है पूरा, इसमें नेचुरल ही है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। मैंने इसमें कोशिश की है कि ताकि मैं इसके जो आपको बताऊं वो भी आपको इस वीडियो के साथ साथ में ही बताऊं, ओवरले ना करूं इसके वॉइस में, वॉइस ओवरले ना करूं इसमें, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और मुझे भी बनाने में अच्छा लगे। कुछ जगह पे सांसें ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जहाँ पर हम चढ़ रहे थे अभी हम उतर रहे हैं, तो उतरने में भी समय हमें ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो शायद लग रहा है मुझे वीडियो को बीच में कट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, 12 मिनट और 45 सेकंड का ये वीडियो हो चुका है अभी तक। चलिए आगे, गायें आ गई हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है जंगल में, और भी कुछ लोग भी है वहाँ पर। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं, तो जब तक हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तब तक हम इसको वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं। आह कितने खूबसूरत बच्चे, प्यारे बच्चे। ओ बच्चा, ओ के करने हो, ओ बच्चा। तो हमने इनके साथ में बातचीत कर ली है, तो इनसे बातचीत करने के बाद में बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए माजरत खाएं कि आपको इनकी बातचीत नहीं दिखा पाए, क्योंकि क्या पता इनको अच्छे कैमरे में नहीं लगता हो ना, तो बच्चे का हल्का सा हमने वीडियो डाला है। तो उसके बाद में ये हमने जंगल में मकान बनाए, ये देख लीजिए, तो कितना खूबसूरत है, सब्जी वगैरह उन्होंने सब कुछ इसी में बना रखा है। कितना खूबसूरत नजारा है और कहाँ पे, वाह क्या खूबसूरती है। तो अभी इस व्लॉग को मुझे लग रहा है यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे है चश्मा, कहाँ पे है।